इसके प्रोब आपको ऊपर में ही लगाना है, एक यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक इसका रेड वाला है और दूसरा इसके ब्लैक टर्मिनल पे, और दोनों को जैसे हम लगाएंगे थोड़ा सा पीछे से दिखा दें ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके इसका रीडिंग। पहला पिन यहाँ पे और दूसरा पिन यहाँ पे, ये दो पिन मैंने इस जगह पे लगाना है। रीडिंग देखें, जो मैंने बताया कि 350 ओहम टू 450 ओहम इसके अंदर रीडिंग दिखना चाहिए, 350 से 450 तक एकदम एक्यूरेट रीडिंग बता रही गाड़ी का। पिकअप कॉइल हमारी गाड़ी का एकदम परफेक्ट है। अब इसका चेक करना है लाइटिंग कॉइल, और लाइटिंग और चार्जिंग कॉइल को कैसे चेक किया जाता है कंपनी रिकमेंडेड वो बताएंगे, और बुक में जो लिखा है उससे एकदम सटीक मैच कर रहा है, कोई भी ऐसा फेरबदल इसके अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। पिकअप कॉइल को चेक करने के लिए रखे थे इसे 2000 ओहम पे, बट जब इसके लाइटिंग और चार्जिंग कॉइल को चेक करेंगे जब रखेंगे इसे 200 ओहम पे। इस चीज़ को चेक करने के लिए कंपनी रिकमेंडेड खुद एक चीज़ बताया जाता है कि जब भी आप इसे चेक करें और सटीक अगर रीडिंग पीडीएफ से लेना हो तो उस कंडीशन में इसका इंजन का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 20 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए, उससे अगर ज़्यादा होता है तो रीडिंग में आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। अभी मैंने 200 ओहम पे इसको रखा, बुक में क्या लिखा है 0.2 से 1.2 ओहम का रीडिंग देखने को मिलना चाहिए। फर्स्ट एक इस वाले वायर में लिए, थ्री फेस का है, नंबर वन नंबर टू पे रीडिंग क्या देखने को मिल रहा है 1.1 का रीडिंग, क्या कह रही है कंपनी रिकमेंडेड 1.2 का रीडिंग देखने को मिलना चाहिए, बट कब 20 डिग्री सेल्सियस पे। अगर गाड़ी का इंजन ज़्यादा गर्म रहा रीडिंग अलग होगा, गाड़ी का इंजन ज़्यादा ठंडा रहा उस समय भी रीडिंग अलग रहेगा। तो देखें 1.1 का आया, और फिर यहाँ पे दूसरे स्टेप पे लगाएंगे तो देखें 1.1 1.2 इस तरह से फ्लक्चुएशन है, और इसके फिर बदल करके सारी जगह पे चेक कर लेना है। तो ये रहा स्टेप, फिर से मैं पीडीएफ आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दूं, 0.2 से 1.2 का रीडिंग। दूसरा एक और स्टेप होता है चेक करने का, वो ये है कि इसके मल्टीमीटर को आप बीप मोड पे रखें, ये देखें बीप बज रहा है। अब इसके तीनों वायर में आपस में अगर मैं टच करूँगा तो बीप का साउंड सुनाई देना चाहिए, देखें बीप बज रहा है, बीप बज रहा है, बीप बज रहा, यानी ये तीनों वायर आपस में अच्छे से काम कर रहा है। अब इसके शॉर्ट सर्किट को अगर निकालना हो तो यहाँ पे एक वायर पे टच करके इसके हर टर्मिनल पे टच करेंगे, कहीं पे भी बीप नहीं बजना चाहिए, ये देखें सब जगह पे। अगर कहीं पे भी इस वायर से यहाँ पे बीप बजता है तो समझ लीजिए कि इसके लेयर में शॉर्ट सर्किट हो गया है, ये वाला लेयर जो है ख़राब हो चुका है, इसको बदली करना पड़ेगा। ये थे कुछ टेस्टिंग के स्टेप, इससे चलिए कुछ और आसान स्टेप आपको बताते हैं जिससे आपकी टेस्टिंग और काफ़ी आसान हो जाए।